अब बात करते हैं कमल के फूल का क्या महत्व है और इसकी प्रयोग विधि क्या है। पंडित जी, कमल का फूल भी हमने देखा है कि चढ़ाया जाता है, तो इसका महत्व क्या है? देखिए, कमल का फूल सामान्यतः पूजा में प्रयोग नहीं होता, लेकिन जितने भी फूल हैं उसमें सबसे ज्यादा पवित्र और दिव्य पुष्प माना जाता है कमल का। कमल के फूल का महत्व क्या है और इसका कैसे प्रयोग करने से लाभ होगा? देखिए, कमल का जो फूल है ये शुद्ध रूप से दैवीय, डिवाइन और आध्यात्मिक फूल माना जाता है। सफेद रंग का कमल सबसे ज्यादा पवित्र और ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ होता है। कमल का संबंध सारे के सारे ग्रहों से है, 9 ग्रहों से और दुनिया की समस्त ऊर्जा से है। अगर आप अपने इष्ट देव को या अपनी इष्ट देवी को कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना कमल के फूल के आसन पर विशेष स्थितियों में की जाती है और ऐसा करने से ईश्वर गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। किसी भी एकादशी तिथि को भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करिए, आपकी संतान प्राप्ति की अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज किसी भी शुक्रवार को शुरू करके 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। जिनको जीवन में उच्च पद प्राप्त करना हो, राज्य सुख प्राप्त करना हो, अतीव धन संपत्ति प्राप्त करनी हो, लगातार 27 दिनों तक माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, इनको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पूजा उपासना में फूलों का क्या महत्व है, कौन सा फूल किस देवी देवता को चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। पंडित जी, गुड़हल के फूल की बात करें तो इसका क्या महत्व है और इसकी प्रयोग विधि क्या है? गुड़हल के फूल को जवा कुसुम भी कहते हैं। तंत्र शास्त्र की पूजा में या तांत्रिक पूजाओं में लाल गुड़हल का बहुत प्रयोग होता है। गुड़हल का फूल अत्यंत ऊर्जावान माना जाता है। देवी की पूजा में और सूर्य देव की उपासना में इसका विशेष प्रयोग होता है। नियमित रूप से अगर आप देवी को, खास तौर से माता काली को गुड़हल अर्पित करें तो आपको शत्रु और विरोधियों से राहत मिलेगी। सूर्य को अगर जल में गुड़हल का फूल डाल करके जल चढ़ाएं तो सूर्य की कृपा मिलेगी और हर तरह की शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो 2 बातें याद रखिए, अगर जीवन में मान सम्मान, नाम और यश चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो लाल गुड़हल का फूल जल में डाल करके सूर्य भगवान को चढ़ाइए। और अगर शत्रु समाप्त करने हो, शांत करने हो, विरोधियों को शांत करना हो, कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे से निपटना हो, तो माता काली की पूजा रोज करिए। लाल गुड़हल का फूल चढ़ा करके आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, बहुत सारे लोग मानसिक पुष्प अर्पित करते हैं, ये मानसिक पुष्प क्या होता है, इसकी प्रयोग विधि क्या है? देखिए, आपके पास वास्तव में फूल नहीं है, आपने अपने मन में, अपने कल्पना में एक फूल बनाया और कल्पना में ही भगवान को अर्पित किया, वो मानसिक पुष्प है। मानस पूजा जब आप करते हैं देवी देवता की, तो मानसिक पुष्पों से की जाती है। हर तरह के फूल से बढ़ करके मानसिक फूल माना जाता है और इसमें भी कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अपने दोनों हाथ ऐसे करें, आंख बंद करें, मन में कल्पना करें, जो रंग आपको अच्छा लगता हो उस रंग का फूल आपके हाथ में है, और आंखें बंद किए हुए ही ये मानसिक फूल भगवान को अर्पित कर दें। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ा करके आप अलग अलग समस्याओं से राहत पा सकते हैं, अलग अलग समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, जब आप हाथ ऐसे करेंगे और मन में कल्पना करेंगे कि मेरे हाथ में गुड़हल का फूल है या गेंदे का फूल है, तो उसको बनाने में, उसको सोचने में समय लगेगा, तुरंत नहीं बनेगा। तो जब वो ठीक तरीके से आपको ये कल्पना हो जाए कि आपके हाथ में फूल आ गया है, तब आप उस मानसिक पुष्प को देवी देवता को अर्पित करिए। दुनिया में किसी भी फूल से ज़्यादा अगर आप मानसिक फूल देवी देवता को अर्पित करते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप किसी मंदिर जा रहे हैं और वहाँ आपको फूलों की माला मिल रही है, फूल मिल रहे हैं, तो उसे संभाल के रखना चाहिए। देखिए प्रवीण जी, जो देवी देवता को फूल और माला चढ़ाई जाती है, उसके अंदर एक विशेष तरह की तरंग पैदा हो जाती है। देखिए, मंदिर में जो फूल और मालाएं होती हैं, वो देवी देवता के संपर्क में आने से, पवित्रता के संपर्क में आने से उनके अंदर पवित्र तरंगें पैदा हो जाती हैं, और ये काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। तो अगर मंदिर से कोई फूल मिल रहा है आपको, कोई माला मिल रही है आपको, तो इसको अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, जब तक ये सूख ना जाए। सूख जाने के बाद इसको अपने घर की क्यारी में डाल दें या जल प्रवाहित कर दें, इधर उधर ना फेंकें। आपके मन में कोई मनोकामना थी, आप मंदिर में प्रार्थना करने गए और बिना मांगे आपको पुजारी ने माला दे दी, फूल दे दिया, तो इस बात की सूचना भी है कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।